हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आज आपके साथ डिस्कस करूंगी झारखंड स्टेट में बीएएमएस का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के लिए कितना हो सकता है। इसके पहले मैं आपके साथ एक जनरल बात शेयर करूंगी, क्योंकि अब काउंसलिंग का टाइम चल रहा है और फर्स्ट राउंड के बाद अभी नीट एंड बीडीएस की काउंसलिंग सब जगह चल रही है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड देन स्टेट कोटा के काउंसलिंग के शेड्यूल्स भी क्लियर है। बट बीएएमएस से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो अभी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है और रिलीज़ नहीं हुआ है बीएएमएस का। जैसे ही स्टेट वाइज बीएएमएस के काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ होता है वो मैं आपके साथ निश्चिंत रहिए शेयर करूँगी। और यहाँ पे जब हम काउंसलिंग की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स को समवॉट कन्फ्यूज़न है बिटवीन द ओपन स्टेट एंड क्लोज्ड स्टेट। तो काउंसलिंग में जब हम आते हैं और पर्टिकुलरली इस साल देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में, जैसा कि एमसीसी ने क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन के थ्रू कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस ओनली पार्टिसिपेट इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए है उन स्टूडेंट्स को अब ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स है। तो अब यहाँ पे क्लियर करिए कि व्हाट इज़ ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का मीनिंग है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं, नियरली 15 स्टेट्स हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं जो अदर स्टूडेंट्स अपने स्टेट के अलावा बाहर के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट के स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन अलाउ करते हैं, उन स्टेट्स को हम कहते हैं ओपन स्टेट। यहाँ पे क्लियर समझिएगा कि अगर आप राजस्थान स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही केवल राजस्थान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या राजस्थान में आप गवर्नमेंट का कॉलेज ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट भी ले सकते हैं। बट अगर आप राजस्थान के बाहर किसी अनदर स्टेट में चाह रहे हैं जाकर एडमिशन लेना तो अनदर स्टेट में आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन आपको किसी भी अदर स्टेट में लेना है तो वो केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजेस में ही मिलेगा। अनदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा से नाम जैसे इंडिकेट करता है, ऑल इंडिया कोटा से आप इंडिया में किसी भी स्टेट में 15% सीट कोटा के अंतर्गत जा सकते हैं। बट जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं वो स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे हैं कि मैम क्या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू हम किसी अनदर स्टेट में या अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाके गवर्नमेंट कॉलेजेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप, मैं क्लियर कहूँगी कि अनदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट कोटा के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओपन स्टेट्स में आप केवल एडमिशन ले सकते हैं तो वो केवल और केवल प्राइवेट सीट्स पे ही एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो प्रिपेयर करूँगी विद डाटा कि कितने स्टेट हैं अपने यहाँ पे जो ओपन स्टेट हैं, पार्शियली ओपन है और क्लोज्ड है, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के समय, चॉइस फीलिंग के समय बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी और एक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर पाएंगे कि कितने कितने स्टेट्स में आप बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, प्राइवेट में अगेन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं झारखंड के स्टेट कट ऑफ की तरफ बीएएमएस के लिए। उसके पहले एज़ यूज़ुअल, अगर आप सेशन पे, चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। अब यहाँ पे देखिए जब हम स्टेट कोटा में आ रहे हैं तो झारखंड में एक तो देखिए कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, एक ही कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मुझे साइट्स पे अवेलेबल हो रहा है, इसलिए कॉलेज से रिलेटेड जानकारी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। ओनली टुडे आई डिस्कस द स्टेट कट ऑफ। जो जनरल का कट ऑफ है वो 490 प्लस जा सकता है, सेकेंडली ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 470 और 470 प्लस है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
एससी कैटेगरी के लिए बीएएमएस का कट ऑफ मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे 390 प्लस है आपका, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 300 से 305 के बीच में या फिर 305 प्लस आप मान के चलिए जा सकता है। ये जनरल अगेन एज नॉर्मल मैं हर एवरी सेशंस में मैं कह रही हूँ कि जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस हैं ये मैं अपने जनरल प्रिडिक्शन के बेसिस पे और स्टडीज़ के बेसिस पे कह रही हूँ। इसका कहीं भी आप ये मीनिंग मत निकालिए कि अगर जनरल के लिए 490 लिखा है तो इट मींस जो लास्ट सीट होगी वो 490 पे ही जाएगी। 5 और 10 मार्क्स ऊपर नीचे आपके कट ऑफ में जा सकते हैं और एवरी ईयर जाते ही हैं। तो ये आप झारखंड का एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था झारखंड के स्टेट के लिए, सो दैट्स वाई सेपरेटली मैंने आज ये सेशन अपना झारखंड के स्टेट के लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट सेशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि कितने ओपन एंड कितने क्लोज स्टेट हैं, किस तरह से आप काउंसलिंग में उन ओपन स्टेट्स को यूज कर सकते हैं कम बजट के कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट सेशन तक ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।